नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम मिक्स फ्रूट और वेजिटेबल्स का जूस बनाएंगे। बहुत ही आसानी से ये घर में बन जाएगा, मिक्सर ग्राइंडर में ही, और बहुत ही हेल्दी होता है, टेस्टी भी होता है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो देखिए, इसके लिए मैंने इस तरह से फ्रूट्स और सब्जियाँ ली हैं, तो इन्हें आप धोकर बारीक काट लें। तो ये गाजर ली है, देखिए मैंने फ्रेश पालक की कच्ची पत्तियाँ ली हैं, धनिया है, चुकंदर है जिसे बीटरूट कहते हैं, आंवला है और एप्पल है। आप चाहें तो इसमें अंगूर डाल सकते हैं, थोड़ा सा काला नमक लेंगे, अनार भी डाल लें आप, और इन सबको एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे हम। और इसमें हम एक गिलास पानी डालेंगे और काला नमक। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। देखिए, उसके बाद इसे छानना है हमें, तो आप चम्मच से प्रेस करते हुए इस तरह के चलने लेकर और छान लें इसे। तो थोड़ा दबाते हुए छाने, सारा जूस निकल जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके आप जूस इसमें डालते रहें और इस तरह छान लें। और जो ये बचता है वेस्ट, ये बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। इससे आप आटा लगा सकते हैं, किसी तरह की टिक्की में डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप दबा करके, अच्छे से दबाते हुए सारा जूस निकाल लें इसका। तो ये देखिए, घर में ही कितना टेस्टी और सुंदर दिख रहा है ये वेजिटेबल और फ्रूट्स का जूस। बहुत हेल्दी भी है, तो इसे आसानी से घर में बनाइए, आप डेली पीजिए, बहुत ही अच्छा और हेल्दी होता है ये।